नमस्ते जय साई राम. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी आज बोलने के लिए. तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊंगी. जैसे आप सबको पता है, नाम मेरा नीति है एंड मैं पिछले 25 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ. एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी आर थ्री सिस्टर्स और हमारे घर में रिलीजन के नाम पे फादर आर्य समाजी थे. तो हमने कभी अपने घर में मूर्ति पूजा होते हुए कभी देखा नहीं. हमेशा जो हमें बताया गया वो ये बोला गया, रात को हम सोते थे सबसे पहले सोने से पहले बस था कि गायत्री मंत्र का जाप करना है और दैट इज व्हाट आर एनकाउंटर ऑफ रिलीजन वाज. आर एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे ताऊजी ताईजी गुरुकुल से पढ़े थे. घर में रोज हवन होता था. दिस इज व्हाट यू नो वी हैव ग्रोन अप सीइंग. सो We are three sisters. I am the youngest. My eldest sister was born with epilepsy and she also had polio. My middle sister was single mother. So I am the youngest, but a lot of responsibility has fallen on my shoulder because of that. So हम लोग middle class family के थे, limited resources होते थे. Father ने कभी भी किसी चीज की उस टाइम पे मोबाइल फोन्स और प्लश कार्स एंड हमारी इतनी कुछ इच्छाएं भी नहीं होती थी. जो छोटी छोटी चीजें हमें चाहिए होती थी वो हमेशा हमें मिल जाया करती थी. तो वी हैव हैड अ वेरी हैप्पी एंड अ गुड चाइल्डहुड. सो वी वर ऑल वेरी हैप्पी एंड देन वंस माय मिडिल सिस्टर गॉट मैरिड वाज अ टाइम व्हेन एक्चुअली आई स्टार्टेड सीइंग स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ एंड आल्सो माय फैमिलीज लाइफ. पर हमेशा कोशिश यही रही थी कि उन प्रॉब्लम्स को मम्मी पापा तक ना जाने दिया जाए और मैं अपने लेवल पे जितना मैं हैंडल कर सकती थी एज अ यंगर सिस्टर बिकॉज आई वाज जस्ट आउट ऑफ स्कूल. वी हैड जस्ट स्टार्टेड अवर कॉलेज. छोटे थे उस टाइम पे, इतनी बातें पता नहीं थी और इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी उठाई नहीं थी. बट बिकॉज इट हैड फॉलन ऑन मी सो कोई ऑप्शन नहीं था. कोशिश यही रहती थी कि प्रॉब्लम्स आए हम मम्मी पापा तक ना बता के और उसको अपने लेवल पे हैंडल करके. दो द प्रॉब्लम्स वर प्रिटी बिग फॉर मी टू हैंडल बट गॉड गेव मी सम स्ट्रेंथ एंड आई वाज एबल टू डू व्हाटएवर आई वाज एबल टू डू फॉर माय सिस्टर. एंड हमारे फादर ने कभी क्योंकि हमने कभी रिलीजन के बारे में इतना ज्यादा कुछ गहराई से सोचा नहीं था क्योंकि फादर ने हमेशा बोला था कि भगवान, वो कहते थे दिल में है तस्वीर खुदा की, जब भी चाहा आंख चुका कर देख लिया. सो दैट इज व्हाट वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड. बट लेटर ऑन व्हेन आफ्टर सीइंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट इट वाज माय ब्रदर इन लॉ, ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू बुद्धिज्म. हमने मीटिंग्स में जाना शुरू किया, इंट्रोड्यूस हुए. मैंने, मेरी सिस्टर्स ने, मम्मी ने, पापा ने, सबने मीटिंग्स में जाना शुरू किया. अच्छा भी बहुत लगा. बट कुछ टाइम के बाद मैंने मीटिंग्स में जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरी भी शादी हो गई, छोटे बच्चे थे. मैं सारा दिन काम करती थी, उसके बाद मीटिंग्स में भी थोड़ा प्रेशर रहता था कि आप आइए एक्टिविटीज करिए, दैट इज हाउ यू क्रिएट गुड कर्मास. पर मुझे ये लगता था मेरे लिए गुड कर्मा वाज टू कम बैक होम एंड लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन. तो मैं थोड़ा 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 एक्टिव बुद्धिज्म से पीछे हो गई. बट मेरे मन से चैंटिंग कभी नहीं निकली और मैं जब भी आज भी कभी अकेले बैठी होती हूँ, whenever there is a problem, the first thing that comes to my mind and my heart is namme ho ringe kyo. To main apne aap akele baith ke chant karti hu, but bahut faith aa gayi hai uske andar. Aur kyunki religion itna hum rigid kabhi shuru se the nahi, to mujhe jitna buddhism uplift karta hai utna hi gurudware ke shabad karte hain, utna hi mujhe sufiyon ke bhajan karte hain, utna hi mujhe kakad aarti karti hai. Matlab any form of basically how I can connect to God. And I have a very very firm belief that karmas would play a very very important role in our life. अच्छे काम करने बहुत जरूरी है मेरे लिए, चाहे मैं पूजा करूं या ना करूं, मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं. For me to justify my role as a mother, as a sister, as a daughter-in-law, as a wife is very important. अपनी हिम्मत के हिसाब से जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकती हूँ, आई ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई माई रोल. एंड जहां तक एक्सपीरियंसेस की बात है, आई थिंक एवरी डे इज अ मिरेकल. एवरी डे इज अ मिरेकल, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक. वी हैव ऑल रियलाइज्ड जिंदगी एक चुटकी में निकल जाएगी. बहुत लंबी नहीं है, जितनी है उतनी
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. बहुत दोस्त चले गए पेंडेमिक में, बहुत सारे, बहुत अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हैज सर्वाइव्ड. बट जब तक वो मोटा था, ही हैड अ पॉट बेली, तो हम उसको बोलते थे कि पतला हो जा, पतला हो जा, पतला हो जा. बट आई लॉन्ग टू सी हिम अगेन विद अ पॉट बेली, यू नो. इट्स नॉट नाइस टू सी, आई मीन, बट ऑफ कोर्स ही इज लिविंग, सो दैट्स अगेन अ ब्लेसिंग. बट इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड एवरीबडी हैज टू बी ग्रेटफुल दैट वी आर स्टिल अलाइव. So one experience that I would like to share is this year, January, I got a call from my niece at around 8 o'clock in the morning. सुबह का time पे generally बच्चों के phone आते नहीं है क्योंकि उनका वो सोने का time होता है. तो 8 बजे phone में जब मैंने उसका नाम देखा तो मुझे phone उठाने से पहले ही कुछ लगा कि there's something which is wrong. मैंने phone उठाया तो मुझे उसने बोला कि नानी सांस नहीं ले पा रही, my mother. और उसे कुछ टाइम पहले तक मैं बोल रही थी कि लॉकडाउन है, मम्मी से मिलने का बहुत मन है, जा नहीं पा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, एंड शी इज थोड़ा सा सुनना ऊंचा सुनने लगी है, तो फोन पे भी इतनी ज्यादा बात नहीं हो पाती. तो जैसे ही मैंने सुना, आई टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड वी हैव टू रश टू गुड़गांव. एंड फ्रॉम मेरे घर से गुड़गांव का रास्ता करीब 40-45 मिनट लग जाते हैं अगर ट्रैफिक नहीं मिले तो. और मैं रास्ते में बस यही कह रही थी कि इतने दिन से था कि मम्मी से मिलना है, तो I just hope that I'll be able to see her. So I was able to reach there in time. 40-45 minute mein jab main pahunchi to usi time pe ambulance bhi aayi and we took her to the hospital. Mere kaafi sare, I am in the travel industry, so I have a lot of senior doctors who are my clients. So main Gurgaon mein Fortis mein I knew a very senior cardiologist, so I told my sister ke let us take her there. बट एम्बुलेंस किसी और हॉस्पिटल की आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम पहले तो जिस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है हम वहीं लेके जाएंगे. तो उनको आर्टिमिस लेके गए, वहां पर जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उनको मैंने बोला कि ऐसे मैं बहुत पुराने से इनको जानती हूँ, तो उन्होंने बोला कि अभी वो इतनी स्टेबल नहीं है कि आप इनको यहाँ से ले जा सके, हमें पहले इनको स्टेबल कर लेने दीजिए. सो आई सेड जो आपको लगता है ठीक, ऑफकोर्स यू आर द डॉक्टर, तो जो आपको ठीक लगता है वो करें. तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन से उनको कुछ नहीं हुआ, आई थिंक बाईपैप और सीपैप, आई डू नॉट नो व्हाट इट वाज, एंड शी वाज पुट ऑन दैट. 3 घंटे 4 घंटे माय मदर इज वेरी फ्रेल, शी वेज 36 kgs, और उनके लिए उन्होंने बोला कि इनको सोने नहीं देना, अगर ये सो गई तो ये भूल जाएंगी कि इनको सांस लेना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सो यू हैव टू कीप हर अवेक. तो हम उनके साथ खड़े हुए, मम्मी कुछ ना कुछ हम बात करते रहे कि वो सो ना जाए. काफी देर उन्होंने स्ट्रगल किया बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मेरी सबसे बड़ी बहन को एपिलेप्सी भी है, पोलियो भी है, तो शायद माय मदर इज लिविंग फॉर हर, यू नो, शी स्टिल फील्स कि मैं मेरे को रहना है अभी उसके साथ में. तो शी रियली स्ट्रगल्ड, एंड 3-4 घंटे के उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया. पहले उनको कोविड आईसीयू में लेके गया गया क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, जब तक कोविड नेगेटिव नहीं आएगा तब तक उनको नॉर्मल आईसीयू में नहीं भेज सकते थे, तो और हमें अंदर जाने की वहां पर इजाजत नहीं दी गई थी. बट थैंकफुली रात तक उनका रिपोर्ट आ गया और उनको नॉर्मल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया. सुबह तक हम, रात को हम उनसे मिलने गए तो हमें देखते ही उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, बिकॉज शी थॉट दैट मे बी शी हैड कोविड, एनीथिंग टू डू विद ब्रीदिंग, सबको ही लगता था कि शायद आपने इन्फेक्शन कैच कर लिया, दो शी वॉज नॉट इवन गोइंग आउट ऑफ अर रूम. बट डॉक्टर्स ने बोला कि आप ऐसी ऐसी जगह से इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं कि शायद आपको पता भी ना चले. So anyways, she was fine, and next day in the morning जब मैं ICU गई तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हुआ क्या था इनको, मतलब ये सडन क्या था, अगर ये कोविड भी नहीं है तो उन्होंने बोला कि इट वॉज अ केस ऑफ हार्ट फेलियर. बट बाई गॉड्स ग्रेस वो ठीक हुई, उनको हम घर वापस लाए. 3-4 महीने की फिर बहुत स्ट्रगल रही उनको, कभी बीपी लो हो जाता था कभी हाई हो जाता था, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत थी. सो वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू टूडे इज बिकॉज ये जनवरी में हुआ. And people who live in India, everybody knows what happened in April and May. अच्छे अच्छे लोग चले गए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड्स नहीं मिले, कुछ नहीं था. आज मेडिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स्ड. अगर ये माई मदर इज 82-83, अगर मेरी मदर के साथ ये जनवरी में ना होके 2 महीने के बाद हुआ होता तो कोई चांस ही नहीं था कि हम उनको बचा पाते. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू नो, कि मैंने तो ये प्रे भी नहीं किया था बिकॉज मुझे तो नहीं पता था कि मेरी मदर के साथ ऐसा होने वाला है. सो विदाउट प्रेइंग फॉर इट स्पेसिफिकली,
आई वुड से दैट इट वॉज गॉड्स ब्लेसिंग कि बिना मांगे मिल गया. अगर यही 2-3 महीने के बाद हुआ होता तो माई मदर वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड. सो आई जस्ट फील दैट यू नो समटाइम्स वी आर नॉट स्पेसिफिकली चैंटिंग फॉर समथिंग बट वी आर जस्ट प्रेइंग के हमारी जिंदगी आसान करके रखना. मतलब मैं भगवान को बोलती हूँ जिंदा है तो मुश्किलें तो जरूर आएंगी, मुश्किलें देना पर इतनी देना जो मेरी बर्दाश्त के अंदर हो. और अभी तक जो भी कुछ हुआ मेरी बर्दाश्त के अंदर था. मतलब आई कुड भगवान से दुआ मांग के कुछ भी करके आई वॉज एबल टू यू नो टेक देम हेड ऑन. एक ये हुआ. फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में भी देखा दैट यहाँ पर कोविड में क्या होता था कि अगर फैमिली में किसी एक को इन्फेक्शन होता था तो द होल फैमिली वुड गेट इन्फेक्टेड बिकॉज इट वॉज सच अ कंटेजियस थिंग. मेरे घर में माय डॉटर केम बैक आफ्टर गिविंग हर एग्जाम, शी केम एंड शी टोल्ड मी कि मेरे को हल्का सा कुछ गले में लग रहा है एंड शी हैड स्लाइट फीवर ऑल्सो. तो मैंने उसको घर कमरे के अंदर लॉक कर दिया. मैंने बोला अब आप इस कमरे में रहोगे. आई वॉज ओनली वन गोइंग इन अ रूम एंड यू नो खाने के लिए सब चीजों के लिए. माई हस्बैंड जस्ट वेंट इन द रूम टू गिव हर अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी. और 2 दिन के बाद उसने मुझे आके बोला कि मेरे गले में भी कुछ हो रहा है. तो मैंने बोला कि अपने आप को आइसोलेट कर लो. एक दिन हुआ, नेक्स्ट डे मैंने बोला आज ठीक लग रहा है. कहते नहीं आज भी हल्का पैरों में दर्द है, गले में वैसे अदरवाइज आई एम फाइन. मैंने बोला कि टेम्परेचर देखा तो कहते नहीं टेम्परेचर नहीं देखा, बुखार तो लग नहीं रहा. मैंने बोला नहीं पर थर्मामीटर लगा के देखो. थर्मामीटर लगा के देखा ही हैड 99. तो उनको भी दूसरे कमरे में लॉक कर दिया. नाउ वी आर ऑन 2 फ्लोर्स एंड आई लिव विद माई इन-लॉज एंड माई इन-लॉज आर ओल्ड. अब वो इतने ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने आसपास में हमने देखा कि इन्फेक्शन हो रहा था, हॉस्पिटलाइज नहीं आप हो सकते थे, आपको जो भी करना था घर में ही मैनेज करना था. सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड एवरीबडी वाज नर्वस. सो नाउ आई लॉक माय हस्बैंड इन वन रूम, माय डॉटर इन वन रूम, माय अदर डॉटर इन वन रूम एंड माय इन-लॉज इन वन रूम एंड आई वाज इन द 6th room. एंड आई टोल्ड द मेट्स टू गो होम. मैंने बोला कि इनको नहीं हम इनकी लाइफ को नहीं हम उसमें डाल सकते क्योंकि दे वर नॉट वैक्सीनेटेड एट दैट टाइम. तब तक उनकी एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन आया ही नहीं था. तो उनको मैंने घर भेज दिया एंड टू मैनेज ऑल ऑफ देम वॉज अ टास्क. मैंने कभी इतना फिजिकल वर्क नहीं किया था, कभी इतना खाना नहीं बनाया था, कभी इतना किचन हैंडल नहीं किया था. और कोविड के साथ साथ ये भी था कि न्यूट्रिशन भी सही जाना चाहिए, टाइम पे खाना मिलना चाहिए. एवरी यू नो एवरी आवर समडे वाज समथिंग और द अदर. माय लाइफ आई मीन 6:30 इन द मॉर्निंग आई हैड टू गेट अप, सबके लिए करना, ब्रेकफास्ट बनाना, चाय देनी, खाना बनाना, वो करते 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 कभी इतना काम करने की आदत नहीं थी. थक मैं बहुत जाती थी पर मैंने सिर्फ ये प्रे किया कि अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया, अगर मैं भी पड़ गई तो आर हाउस विल कोलैप्स. बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं तो सबको लुक आफ्टर करूँ लेकिन मुझे लुक आफ्टर कोई नहीं कर सकता. बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड खुद बड़े हैं, इन लॉज आर ओल्ड. तो ये मांगा और मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ बावजूद इसके कि वायरल लोड मेरे हस्बैंड का बहुत हाई था. मैं ही उनके कमरे में जाती थी और दिन में कम से कम 10 बार जाना पड़ता था क्योंकि कभी दवाई के लिए पूछना, कभी खाना देना, सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, यू नो इन बिटवीन मील, सैलड देना, ये देना. बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ एंड आई वाज एबल टू यू नो ब्रिंग एवरीवन आउट ऑफ इट. मैं क्या मतलब दिस द पावर विच वाज गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी. हम ठीक ठाक से उससे निकल गए and my father-in-law very sweetly sent a message saying, you know, thank you very much bete for looking after three problems at a time. So I said, three problems kaun si? Maine bola ek to aapka beta hai, baki do problems kaun si? So he says ki ek main aur ek pushpa ji, which is my mother-in-law. So I said, nahi aap log problem nahi, aap to blessing ho. Aapka beta zarur problem tha lekin hum log usse nikal gaye. So this is another you know experience which I felt that here I chanted for it and I got it. In my mother's case, I never chanted for it, but because you know constantly tha ki itni takleef dena jitni hum bardasht kar sakte hain, to wo bhi usse bhi hame you know mere ko bhagwan ne bahar nikala. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं. कितने एक्सपीरियंसेस हम शेयर करें एवरी डे. आई मीन इफ आई लूज वन आर्म आई वुड स्टिल से कि अच्छा एक तो छोड़ दिया तो एक से तो काम हो रहा है यू नो. तो आई वुड से दैट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एंड मैं हर सिचुएशन हर एक के अंदर से मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकाल ही लेती हूँ. My sister met with an accident in the middle of the night. She was thrown out of her car. She was with her daughters.
डॉटर्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आधी रात को सड़क पे, यू नो, शी कुड हैव बीन हिट बाय अ ट्रक, इट वाज ऑन अ हाईवे. उसको मैं हॉस्पिटल लेके गई, रात को एडमिट करवाया. अगले दिन पता चला कि मतलब आई हैड टू शिफ्ट हर फ्रॉम दैट हॉस्पिटल टू द हॉस्पिटल वेयर आई नो द डॉक्टर्स. एम्बुलेंस में लेके दूसरे हॉस्पिटल में लेके आई. मैंने उसकी सर्जरी कराई पैर की, उसके पैर में रॉड डली, उसको मैंने डिस्चार्ज करवाया. मैं उसको अपने घर लेके आई 15 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हुई. मैंने 15 दिन के बाद अपने पेरेंट्स को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उसकी सर्जरी करवा दी और मैं उसको घर ले आई. सो 15 डेज आई टोल्ड माई पेरेंट्स के ऐसा हुआ था. दे केम एंड दे स्टार्टेड क्राइंग कि इतना बड़ा कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं. सो यू नो, मुझे पता था कि वो बच्चों का दुख माँ बाप से नहीं देखा जाता. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज अ डॉटर टू सी माई पेरेंट्स इन पेन. तो मेरी मदर ने उस टाइम बोला कि इट वॉज अ थर्सडे व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट. तो उन्होंने बोला कि साईं बाबा के दिन में एक्सीडेंट हुआ उसका, ऐसे कैसे उन्होंने, मतलब ऐसे कैसे किया. तो मैंने बोला नहीं, उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने बचाया. बिकॉज इट वॉज अ थर्सडे, शी इज स्टिल लिविंग, शी कुड हैव डाइड ऑन द रोड. She was thrown out of the car at 11:30 at night, जिस टाइम पे हाईवे पे ट्रक्स चलते हैं, and she was lying in the middle of the road. तो मैंने बोला पीछे से ट्रक भी मार सकता था, she could have died. So I think it's Baba's grace that she is still living. आज वो she is looking after her children, surgery आज वो ठीक ठाक चलती है, everything is fine. So you know, one has to look for blessings in everything. That's the way forward is what I very very strongly believe in. That's about it. मतलब मैं experiences आप मुझे बोलेंगे तो I can go on and on and on. बहुत सारी चीजें हैं जो हम experience रोज करते हैं, but उसमें blessings ढूंढना. I think we are all here for a reason and I feel that we must all leave a legacy whenever we go. बहुत सारे लोग हमारे पीछे से रोएंगे चली गई, you know. That is what I would want. Whenever I go, everybody has to go and I will also go one day. तो जब जाऊँ तो पीछे से दुख हो लोगों को कि अच्छी थी चली गई. And I wish a lot of love and light in everyone's life. And though I'm a very positive person, but I go in the low life condition very, very fast, but I bring myself out of it also myself, you know, because I know that there is no one. There was a time jab maine bahut psychologists ke paas jaake koshish ki ke शादी हो गई थी, वापस आती थी, छोटी छोटी बातें कि मेरी मम्मी का बेड भी कौन लगाएगा, मैं वो तो मैं करती थी, अब तो कोई नहीं करेगा, यू नो, लिटिल लिटिल थिंग्स. बट देन एंड एवरी संडे इट वॉज माई रूटीन के मुझे जाके अपने पेरेंट्स से मिलके आना ही आना है. और जब वापस आती थी हमेशा एक भारी मन से आती थी कि मम्मी पापा अकेले हो गए, यू नो, सिस्टर भी ठीक नहीं है, वो तीन लोग हैं, कोई आउटिंग नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों की शादी हो गई, अब तो हम अपने घर में हैं, मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हैं. बट लेटर ऑन इन माई लाइफ आई रियलाइज दैट हमारे डरने से कुछ होता ही नहीं है. जो होना होता है वो तो होता ही है, तो डरने से तो कुछ नहीं. मैंने तो अपनी सेहत खराब की, यू नो, मेंटल स्ट्रेस इतना हुआ कि आई हैड अ ब्रेन इशू ऑल्सो, आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर गुड 1 month एंड आई आस्क्ड माय न्यूरोलॉजिस्ट के मुझे हुआ क्या. तो उसने बोला जिस ऑर्गन पे ज्यादा जोर डालोगे वो कोलैप्स करेगा, तो आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डाला तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई. तो एनीवेज, क्योंकि नेचर ऐसा था, कुछ ज्यादा सोचने का था तो मैं ऐसी ही थी. बट आई रियलाइज के डरने से और स्ट्रेस लेने से कभी भी कुछ काम नहीं बनता. जो होना होता है वो तो होता ही है. वी जस्ट हैव टू होप एंड प्रे के रास्ते आसान करता रहे बस भगवान. मुश्किलें तो आएंगी आएंगी. दिस लाइफ कैन नॉट बी अ बेड ऑफ रोजेस, नॉट इवन फॉर शाहरुख खान. सो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बट इतनी प्रॉब्लम्स दे भगवान जो हमारी बस में हो. और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रेंथ भी आ ही जाती है कि आप उन चीजों को हैंडल कर पाते हो. माय फादर हैड लॉस्ट 80% ऑफ हिज आईसाइट एंड आई, बट ही वाज ऑलवेज, यू नो, कि मेरे को काम करना है, मुझे कुछ करने दो. ही वुड लीव द हाउस इन द मॉर्निंग. शाम को वो आते थे, हमेशा डर लगा रहता था कि गिर ना जाए, सड़क क्रॉस करते हैं. आई वुड सेंड हिम विद माय कार एंड ड्राइवर. तो मतलब हमेशा डरती रहती थी. जिस दिन उनको जाना था मेरे हाथों से चले गए. ही फेल राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज. आई कुड नॉट डू एनीथिंग. आई कैरीड माय डाइंग फादर इन माय आर्म्स टू द हॉस्पिटल. और मैंने भगवान से बोला, मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो ही हैज ऑलवेज बीन अ पर्सन ऑन द मूव. और वो बेडरिडन होके तो नहीं जी पाएंगे. ही फेल फ्रॉम सेकेंड फ्लोर
नीचे. He had broken his arm. He did not know where he was in the whole rasta. When I was taking him from my house to the hospital, the whole rasta he kept asking me, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ गिर गया, घर कहाँ है. उनको कुछ नहीं पता था. एक डेढ़ घंटे की उनकी जो सफरिंग थी, उसके बाद भगवान ने उनको उठा लिया. पर ठीक है, क्योंकि जाना तो हमारे माँ बाप किसी के भी अमर होके तो आए नहीं. अगर अमर होके आते तो हम बोलते कभी भी ना जाए, लेकिन जाना तो है. और वो ऐसे जाए कि वो दो पैरों पे चलते जाए, उनको भगवान उनको कष्ट देगा, तो उनसे ज्यादा कष्ट शायद हम बच्चों को होगा. तो ही वेंट, यू नो, एक डेढ़ घंटे की स्ट्रगल के बाद वो चले गए. बट मैंने बोला कि इससे ज्यादा टफ शायद चीज कोई नहीं हो सकती, टू सी योर पेरेंट्स लाइक दैट. बट वो भी बर्दाश्त कर लिया. तो और क्या क्या चीजें, मतलब ऐसी भगवान जो देगा, जो आप बर्दाश्त, आपकी बर्दाश्त के अंदर सब कुछ होता है. जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो साथ में स्ट्रेंथ भी आती है. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, एंड दिस इज व्हाट माय रिलीजन इज. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं सिर्फ बुद्धिज्म में बिलीव करती हूँ. मैं शनि मंदिर भी जाती हूँ, मैं चांट भी करती हूँ, मैं गुरुद्वारे के आगे से भी माथा टेक के निकलती हूँ. मैं हर जगह जाती हूँ. मुझे हर रिलीजन में विश्वास है, मुझे हर तरह की पूजा में विश्वास है, मुझे हर चीज से स्ट्रेंथ मिलती है. सो दिस इज ऑल आई कैन शेयर विद यू टुडे, एंड आई जस्ट होप आई एम नॉट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टुडे एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस. जय साईं राम, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लाइफ एवरीवन. थैंक यू.